फ्रेंड्स, आई एम साक्षी एंड यू ऑल आर वॉचिंग सेज. द टॉपिक दैट वी आर हेयर टू डिस्कस इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक्स. कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनके बेसिकली दो वर्किंग होती है या दो फंक्शंस होते हैं. एक तो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स और दूसरा होता है गिविंग लोन्स. तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है कि वो लोगों से पैसा ले रही है और लोगों को एज लोन वो पैसा दे रही है, तो वो उसे हम बोलते हैं कॉमर्शियल बैंक्स. अब कॉमर्शियल बैंक्स बाय गिविंग लोन्स क्या करते हैं, पूरी कंट्री में क्रेडिट क्रिएट करते हैं. अब हमें वो प्रोसेस देखनी है कि वो क्रेडिट क्रिएट कैसे करते हैं. तो हमारे पास दो रेशियोज़ होते हैं. एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, जिसे हम बोलते हैं CRR. CRR वो पैसा होता है जो कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ता है. सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया का सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 3 महीने में 1% फिक्स करती है कि CRR इज फॉर एग्जांपल 10%. तो जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंक के पास होगा उसका 10% कॉमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखवाना पड़ेगा. जो पैसा कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखवाती है उसे हम बोलते हैं CRR. ऐसे ही हमारे पास दूसरा रेशियो होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम बोलते हैं SLR. SLR वो पैसा होता है जो कॉमर्शियल बैंक खुद अपने पास रखती है, पर इसका भी जो रेट है वो रेट RBI ही डिसाइड करती है कि कितना रेट होगा हमारा SLR और कितना रेट होगा हमारा CRR. अब दोनों SLR और CRR को अगर हम मिला दें तो हम उसे CRR प्लस SLR जो होगा वो हमारी रिजर्व रिक्वायरमेंट के इक्वल होगा. रिजर्व रिक्वायरमेंट दैट इज RR. ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन से. क्रेडिट क्रिएशन स्टार्ट करने के लिए जो हमें दो अजम्पशन फॉलो करने हैं, दो अजम्पशंस हैं इसके. जो फर्स्ट अजम्पशन है वो ये है कि एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इज द इनकम ऑफ अदर पर्सन. जो भी एक पर्सन का खर्चा है वो दूसरे पर्सन की इनकम है. फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ डेली यूज़ का सामान अगर लेने जाऊँगी तो वो डेली यूज़ का सामान में मैं खर्चा करूँगी और जो पर्सन जो शॉपकीपर है उसकी इनकम होगी. तो एक्सपेंडिचर ऑफ 1% इज इनकम ऑफ द अदर पर्सन, ये पहला एजम्पशन है. ऑल इनकम्स आर डिपॉजिटेड इन बैंक. जितना भी पैसा है कंट्री में वो बैंक में जमा हो रहा है. कोई भी पैसा हम अपने घर में नहीं रख रहे हैं, हम उसे बैंक में जाके डिपॉजिट कर रहे हैं. तो हम ये दो रूल के साथ स्टार्ट करेंगे. अब हम इसमें अज्यूम करते हैं कि लेट देर इज़ एन इनकम ऑफ 1000. हमने खुद अज्यूम कर लिया है कि इनकम हुई है 1000 की. अब जो भी इनकम है वो कहाँ जाएगी, बैंक में जाएगी. अब हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो है 20%. ये भी हम अज्यूम कर रहे हैं कि जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है वो 20% है. तो इनकम हुई है 1000, ये इनकम बैंक में डिपॉजिट होगी और रिजर्व रिक्वायरमेंट है 20%. अब देखो, अब ये जो 1000 है इसका 20% तो बैंक को अपने पास ही रखना पड़ेगा या रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ेगा. ये 20% तो वो खर्च नहीं कर सकता. सो रिजर्व रिक्वायरमेंट इज 200. दैट मीन्स बैंक्स क्या करेंगे, 1000 में से 200 रुपीज़ तो अपने पास ही रख लेंगे. बचा कितना, 800 रुपये. ये 800 रुपये हम यूज़ करेंगे लोन. ठीक है, देखो क्या हुआ है, हमारी इनकम हुई थी 1000 रुपये, 1000 में से 20% जो था वो हमने रिजर्व कर दिया. तो 200 रुपये, तो 200 रुपीज़ तो हमने रिजर्व ही रखने हैं, वो खर्च नहीं कर सकते. 1000 में से 200 रुपीज़ माइनस कर दिया, बैंक के पास कितने रुपये बचे, 800 रुपये. ये 800 रुपये क्या करेगा, बैंक लोन देगा. अब कोई पर्सन लोन क्यों लेता है, लोन इसलिए लेते हैं ताकि हम उसका स्पेंड कर सकें या एक्सपेंडिचर कर सकें. तो लोन इसीलिए लिया होगा किसी ने ताकि वो खर्चा कर सके. तो लोन का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर. अब क्योंकि एक्सपेंडिचर हुआ है एक पर्सन का, तो दूसरे पर्सन की क्या बन जाएगी, ये इनकम. अब ये इनकम फिर कहाँ आ जाएगी, बैंक के पास. तो अब बैंक के पास कितने रुपये आ गए, अब बैंक के पास आ गए 800 रुपीज़. अब बैंक क्या करेगी, बैंक फिर इसका 20% जो है वो अपने पास रखेगी बिकॉज रिजर्व है, दैट इज़ 160.
अब बैंक कितना लोन देगी, 800 माइनस 160 दैट इज 640 क्या होगा लोन। फिर वही चीज होगी कि ये लोन होगा, लोन किसी का एक्सपेंडिचर होगा, वो एक्सपेंडिचर किसी और की इनकम होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे इसमें, देखो ये 1000 से ये प्रोसीजर जो है वो हमारा चलता जाएगा, और ये 1000 से कितना हम क्रेडिट क्रिएट करेंगे, उस क्रेडिट क्रिएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, दैट इज इनिशियल अमाउंट इनटू 1/ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएटेड कितना होगा, तो हमारा इनिशियल अमाउंट मतलब हमने स्टार्ट किससे किया था, हमने स्टार्ट किया था 1000 से, सो 1000 इनटू 1/ हमने रिजर्व रिक्वायरमेंट कितनी मानी है 20%, 20% का मतलब होगा 0.20, तो ये दो जीरो आ गए, जीरो से जीरो कट गया, ये आंसर आ गया 5000। अब इस 5000 का क्या मतलब हुआ कि कॉमर्शियल बैंक में अगर 1000 रुपये जमा होते हैं और अगर रिजर्व रिक्वायरमेंट 20% है, तो कॉमर्शियल बैंक उससे कितना क्रेडिट क्रिएट कर देगी, 5000। अब इसमें जो हमने लिखा है 1/ रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तो ये 1/ रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है हमारा, ये फॉर्मूला होता है, या इसे हम बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर, कि हमारा कॉमर्शियल बैंक का क्रेडिट कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट इज फॉर्मूला होता है इसका 1/ रिजर्व रिक्वायरमेंट। थैंक यू।